2019 चुनाव को लेकर यूपी में मंत्रियों का दौरा, सीएम और डिप्टी सीएम पहुंचे सिद्धार्थनगर, कई परियोजनाओं का किया शिलान्यास। बीजेपी की महिला विधायक ने मायावती पर की आपत्तिजनक टिप्पणी, कहा मायावती ना तो महिला लगती है ना ही पुरुष। चंदौली के मुगल सराय से विधायक हैं साधना सिंह। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बगावती तेवर, योगी सरकार पर जमकर साधा निशाना, कुंभ के आयोजन को बताया फिजूल खर्च। बाराबंकी के NH-28 पर कार और ई रिक्शा में टक्कर, कार में लगी भीषण आग, स्थानीय लोगों ने पाया आग पर काबू। नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ कृतिका ठाकुर। और अब रुक करते हैं खबरों की ओर। बाराबंकी के जेतपुर इलाके में कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बगावती तेवर नजर आए, जहां अपने भाषण के दौरान ओम प्रकाश राजभर ने योगी सरकार के कुंभ के आयोजन को फिजूल खर्च करार दिया। वहीं अपने संबोधन के दौरान ओम प्रकाश राजभर यहीं नहीं रुके, बल्कि उन्होंने खुद को पहला ऐसा नेता करार दे डाला जो अपनी ही सरकार से लड़ता है। इस दौरान राजभर ने योगी सरकार के मंत्रियों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि और मंत्रियों की तरह अगर हम भी जी हुजूरी करते तो खूब रुपया कमाते, लेकिन हम ऐसा नहीं करते क्योंकि हम शौकिया तौर पर राजनीति करते हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन में हम पूछना चाहते हैं आपसे, 3,68,000 पद खाली हैं सहायक अध्यापकों के। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कह रहा हूं कि भर्ती करो, कह रहे पैसा नहीं है। अब कुंभ में पैसा है, अब सोचो पिछली सरकार 900 करोड़ रुपया में कुंभ निपटा दिया, अभी सरकार 5,000 करोड़ रुपया लगा रही है। अब आप बताओ, यहाँ बैठे हुए लोगों आप बताओ, कुंभ में नहाने से तेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी का नहीं मिलेगी? लेकिन रुपया वहां बर्बाद हो रहा है। अरे 900 वो किए, आप 1500 करते, आप 2000 करोड़ करते, 3000 करोड़ रुपया गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने में लगाते, तब हम मानते कि गरीबों के हमदर्द आप लोग हो। रामपुर के निरीक्षण भवन पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने प्रेस वार्ता कर चल रहे विवादों पर चर्चा की, जिस दौरान सवर्ण आरक्षण के सवाल के फैसले को ऐतिहासिक फैसला बताया। वहीं राफेल डील विवाद पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को झूठा ठहराते हुए फेल होने की बात कही, अभी तक भारत की राजनीति को न समझ पाने का भी आरोप लगाया। चले राहुल जी पूरी तरीके से हो गए, केवल और केवल झूठ बोलना, हठधर्मिता करना, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आ गया, उसके बाद कुछ बचा नहीं है उनके पास में। नहीं, कहीं ना कहीं मोदी जी को चैलेंज भी किया राहुल गांधी ने, कहा 20 मिनट का टाइम दे दें आप भी। नहीं, काहे का चैलेंज देंगे, सदन में चर्चा, सदन में विषय आया, चर्चा हुई, सारी चीजें हुई, लोकतंत्र है भारत का, उसमें परंपराएं हैं। ये केवल सिफुगे से राजनीति नहीं होती है, राहुल जी भारत की राजनीति को अभी तक नहीं समझ पाए। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की विधायक साधना सिंह ने बहुजन समाजवादी पार्टी चीफ मायावती के खिलाफ विवादित बयान दिया है। साधना सिंह ने मायावती के बारे में कहा कि वह ना तो महिला लगती है और ना ही पुरुष लगती है। साधना सिंह यही नहीं रुकी, उन्होंने यह भी कह डाला कि यह महिला नहीं तो किन्नरों से भी बदतर है।
बता दें कि महिला विधायक जब ये अमर्यादित बयान दे रही थी उस समय मंच पर पार्टी के प्रदेश महामंत्री पंकज सिंह भी मौजूद थे। साधना सिंह चंदोली के मुगल सराय से विधायक हैं। हमको तो उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री न महिला में लगती है न जज में लगती है, इनको तो अपना सम्मान ही नहीं समझ में आता। जिस महिला का इतना बड़ा चीर हरण हुआ, एक चीर हरण हुआ द्रौपदी का, तो उसने कौरव पांडव से प्रतिज्ञा लिया कि जब तक दुशासन हमारा जैसे बाल खींच लाया है जब तक उसके कंधे का लौ हमें नहीं मिलेगा, हम ये अपमान ये बाल को बांधेंगे नहीं, धुलेंगे नहीं। आज वो महिला एक स्वाभिमानी महिला थी, आज की महिला सब कुछ लूट गया उसके बाद भी कुर्सी छड़ पाने के लिए अपने सारे सम्मान को बेच दिया, ऐसी महिला नाम लेने वाली मायावती जी का हम इस कार्यक्रम के माध्यम से। सिद्धार्थनगर में 2019 चुनाव को लेकर एक माह के भीतर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने दौरा किया जिसमें कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। इसी क्रम में आज जनपद के जेल के सामने केशव प्रसाद मौर्य का आगमन हुआ। इस दौरान कई सड़कें और पुलों को उप मुख्यमंत्री ने बटन दबाकर शुभारंभ किया। वहीं मंच से अपने संबोधन में पिछली सरकार को बहुत कोसा और गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी को हराने के लिए ही यह गठबंधन हुआ है, यह भ्रष्टाचार की सरकार नहीं है जो किसी के झांसे में आ जाएगी। मोदी जी को 2019 में फिर से प्रधानमंत्री के पद पर उनको देखना चाहती है और वह भाजपा ही नहीं बल्कि कहीं देश की जनता देखना चाहती है। भैया माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश के विकास के लिए और समग्र विकास के लिए, सीमाओं की सुरक्षा के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए जो काम हुआ है, काम का इतना प्रभाव है कि सारे विरोधियों को समझ में नहीं आ रहा। जो 2014 में अलग अलग लड़े थे सब कह रहे एक हो जाओ, मोदी जी फिर से आ जाए, यह डर स्पष्ट करता है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने बहुत काम किया है और उस काम का जवाब उनके पास नहीं है, विपक्ष मुद्दा विहीन। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर दिखा भीड़ का इंसाफ, जहां चोरी के सामान के साथ पकड़े गए दो युवकों का सर मुड़ने और पिटाई करने का मामला सामने आया है। घटना नगर थाना क्षेत्र के नकुलवा चौकी की है, जहां कार का सामान चुराकर भाग रहे दो युवकों को लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया और दोनों पकड़े गए युवकों की पहले तो बैल से पिटाई की और उसके बाद रस्सी से बांधकर उनका आधा सर मुड़वा दिया। आधा सर मुड़ने के बाद दोनों युवकों को नगर थाने के हवाले कर दिया। बांदा जिला अस्पताल में एक बार फिर अस्पताल की लापरवाही का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि जहां टेम्पो और बाइक की भिड़ंत में चार घायलों को अस्पताल लाया गया था, लेकिन एक घायल ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। युवक की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा काटा, जिस पर मृतक के परिजन और अस्पताल कर्मियों के बीच मारपीट तक की नौबत आ गई। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी अस्पताल पहुंचे और परिजनों को समझाकर हंगामे को शांत करवाया। एक एक्सीडेंट हुआ है, उसमें एक आदमी की मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई, दो घायल हुए हैं, घायलों का इलाज चल रहा है, इसमें से एक का नाम राजेंद्र और मृतक की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। डॉक्टर साहब क्या बताते हैं कैसे एक्सीडेंट हुआ, कुछ पता चला क्या? बता रहे हैं कि बाइक से और रिक्शे की आपस में हुई भिड़ंत हुई, उसमें ही एक आदमी खत्म हो गया। ये एक एक्सीडेंट का मामला है, एक मोटरसाइकिल से जिससे एक्सीडेंट हुआ था, तो जो व्यक्ति रास्ते पे जा रहा थोड़ा पैदल उसको चोट लगने से उसकी मृत्यु हो गई, ब्रॉड बेल्ट अस्पताल में आया था, तो उनके परिजन आ गए थे, आक्रोशित थे, उनको समझा बुझा दिया गया है, बॉडी को मोर्चरी।
फिरोजाबाद में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने पेट्रोल उत्पादों को बचाने और प्रदूषण को रोकने के लिए साइकिल रैली का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न स्कूलों के करीब 1500 बच्चों ने हिस्सा लिया। इसका शुभारंभ नगर मजिस्ट्रेट प्रियंका सिंह ने गांधी पार्क में बनाए गए पांडाल स्थल से किया, जो कि आर्य नगर, सेंट्रल चौराहा और अन्य मार्गों से होते हुए गांधी पार्क पर वापस आई। इस दौरान जिला विद्यालय निरीक्षक ऋतु गोयल संग कई अधिकारी भी मौजूद रहे। इस रैली का उद्देश्य ये है कि हमारे देश में जो हो रहा है प्रदूषण, इसको रोकने के लिए हमारी ये रैली निकाली जा रही है। श्रीमान प्रधानाचार्य जी का ये सपना है कि हमारे देश में स्वच्छता और पेट्रोलियम वगैरह की वो हो जाए, मांग बढ़ जाए, ताकि पेट्रोलियम से प्रदूषण ना हो। प्रदूषण से लोगों की जान को खतरा हो सकता है। महोबा जिले में पुलिस ने पत्थर मंडी के दर्जनों पहाड़ों पर छापेमारी की। इस दौरान भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट और ईडी नामक विस्फोटक पदार्थ का बड़ा जखीरा बरामद किया गया, लेकिन यह विस्फोटक सामग्री किसकी है इस बात का पुलिस खुलासा नहीं कर पाई। वहीं जमीन में दबे विस्फोटक को निकालने के लिए पुलिस ने जेसीपी मशीन सहित खुद अपने हाथों में फावड़ा लेकर घंटों मशक्कत की, जिसके बाद विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट की 85 बोरियां, 1400 जिलेटिन छड़ें, 600 ईडी सेल को बरामद किया गया। दो सप्ताह पहले इलीगल एक्सप्लोजिव पे जो कार्रवाई हुई थी यहाँ पे महोबा में, उसमें जो अभियुक्त जेल भेजे गए थे, माननीय न्यायालय से अनुरोध करके उनकी 48 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड मिली थी हमें, और उनकी ही निशानदेही पे महोबा जनपद में जो विभिन्न पहाड़ हैं जहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ होने की संभावना थी, उन पर छापेमार कार्रवाई की गई है और उनकी निशानदेही पे काफ़ी बड़ी मात्रा में इलीगल एक्सप्लोजिव यहाँ से बरामद किया गया है अमोनियम नाइट्रेट, साथ में बड़ी संख्या में जिलेटिन रॉड्स और इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर जो है उन्हें भी बरामद किया गया हुआ है। बरामदगी का सिलसिला अभी जारी है, टीमें लगी हुई हैं, कार्रवाई चल रही है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रशीद कुरैशी हमारे साथ जुड़े। रशीद, आपसे जानना चाहेंगे, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है, क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल, बता दूं कि जो ये मामला है, ये कवरई का मामला है, जो पत्थर मंडी है वहाँ लगातार कई दिनों से छापेमारी चल रही है। उसी बीच कल रात में जो है पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता मिली, जहाँ 85 बोरी जो अमोनियम नाइट्रेट और जिलेटिन की छड़ें और जो विस्फोटक सामग्री है वो बहुत भारी मात्रा में बरामद हुई है। पुलिस लगातार अभी भी उस छापेमारी कर रही है। उनको ये लगता है कि सारे पहाड़ों में की जमीन के अंदर जो है विस्फोटक दबा हुआ है, और ऐसे 15 से 16 लोगों के नाम सामने आए हैं जो इस तरह का अवैध व्यापार करते थे, और जल्दी ही उन नामों को खुलासा पुलिस करेगी और इस पूरे मामले की मीडिया के सामने पूरी बात रखेगी। जी राशिद, आपसे जानना चाहेंगे, इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है, क्या लगता है ये जो विस्फोटक सामग्री है इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? जी बिल्कुल, बता दूं कि जो पत्थर मंडी कवरिंग है वहाँ पे पहाड़ को तोड़ने के काम में विस्फोटक का इस्तेमाल होता है, लेकिन ये विस्फोटक जो है गलत तरीके से एक मात्रा में रखा जाता है, उसको कागजों में लेके आया जाता है, लेकिन इसके अलावा इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। जो इसकी मात्रा है वो इतनी अधिक है, उसमें बड़ा संदेह का इस वजह है कि कहीं ये विस्फोटक अगर ऐसे गलत हाथों में लग जाए ऐसे बहुत सारे लोगों को नुकसान हो जाएगा, और ऐसे में पुलिस इस बात की गहनता से पड़ताल कर रही है कि इतना विस्फोटक किस जगह से आया और कैसे इसको रखा गया। और जी राशिद, वही आपसे जानना चाहते हैं, ये जो विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है, ये निवास जो क्षेत्रीय इलाका होता है, इलाके से कितना दूरी पर ये बरामद की गई है? बिल्कुल, अगर क्षेत्र की बात करें तो लगभग 5 से 6 किलोमीटर के बीच में जो पहाड़ है उन पहाड़ों के नीचे दबी हुई पाई गई है। पुलिस ने सुबह निकालने में बड़ी मशक्कत का सामना पड़ लगा, कई पुलिस के सिपाही लगाए गए और जेसीबी मशीनों तक का इस्तेमाल करके इसको बाहर निकाला गया है। धन्यवाद राशिद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए।
सूबे के अंतिम छोर पर स्थित सोनभद्र जिला, जो कि खनन संपदा से परिपूर्ण है, यहां माइंस की काफी खदानें हैं, जिसको लेकर यह हमेशा सुर्खियों में भी रहता है। इस समय फिर से अवैध खनन का मुद्दा जनपद में गर्म हो चुका है, जहां योगी सरकार के सहयोगी अपना दल के युद्धी विधायक हरिराम चेरो ने अपने ही सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए आरोप लगाया कि जनपद में हो रहे व्यापक रूप से अवैध खनन सरकार के इशारों पर ही हो रहा है। खोखा बालू साइड है, पूरी तरह अवैध है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि कल परसों के न्यूज में रेंजर जो है दुद्धी रेंज के जो रेंजर है इस क्षेत्र का, उन्होंने भी लिख करके दे दिया कि खनन क्षेत्र से हट करके भारी मात्रा में खनन किया गया है, प्रथम दृष्टिया पाया गया है और उनके ऊपर कार्रवाई होगी। हम तो बोल ही रहे थे, लेकिन अब अधिकारी भी बोलना शुरू कर दिए हैं। यहाँ पे भारी पैमाने पे अवैध खनन हुआ है और यहाँ के जिलाधिकारी और खनन अधिकारी के मिलीभगत से हो रहा है। हमको ये सब क्यों करना पड़ा? अगर जिलाधिकारी सुन लिया होता, खनन अधिकारी सुन लिया होता, हमारे मुख्यमंत्री जी सुन लिए होते, प्रभारी मंत्री जी सुन लिए होते, तो मुझे अपने ही फिरोजाबाद में नगर मजिस्ट्रेट प्रियंका सिंह के नेतृत्व में नगर निगम और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम संघ ने अभियान सदर बाजार में चलाया। इस दौरान नगर मजिस्ट्रेट प्रियंका सिंह और सीओ सिटी संजय वर्मा ने जिन लोगों ने अपनी दुकानों के आगे अतिक्रमण कर लिया था उन्हें चेतावनी दी, और वहीं कई लोगों ने इस अभियान की सराहना की और कहा कि ऐसे अभियान निरंतर चलते रहने चाहिए, जिससे जाम से मुक्ति भी मिलेगी। रखना चाहिए और बढ़िया तरीके से सुचारू रूप से अपने यातायात चल सके। क्या ये अतिक्रमण सुचारू रूप से हर महीने चलना चाहिए, जिससे पब्लिक को कोई परेशानी न हो, आवागमन किसी को कोई दिक्कत न हो, बहन बेटी आराम से आए जाएं, कोई कैसी किसी परेशानी न हो, बढ़िया तरीके से काम हो रहा है, ये हमेशा ही होना चाहिए। हमने नगर निगम और जिला प्रशासन और पुलिस ने मिलकर अवैध अतिक्रमण के लिए हम लोग अभियान चला रहे हैं। कि हम लोग ने सेंट्रल चौराहे से स्टार्ट करके घंटा घर तक पूरा नालियों के आगे जितना भी सामान आगे लगा लेते हैं, दुकानदार सबको चेतावनी दी है और सबका सामान भी अंदर करवाया है। अभी कुछ व्यापारियों ने कुछ ऐतराज भी उठाया था, वजह क्या थी, किस वजह से ऐतराज उठा रहे थे? सामान ही लोग आगे तक बढ़ के दुकान के आगे लगा लेते हैं, वही सामान हम लोगों ने अंदर कराया, उसी पर थोड़ा सा ऐतराज कर रहे थे, बाकी सब लोग संतुष्ट है, अपने आप सामान सब लोग अंदर कर रहे हैं, कोई समस्या। ये चलता रहेगा जब तक पूरा मार्केट। फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद के गांव गड़ुमा में आक्रोशित किसानों ने आंगनवाड़ी केंद्र पर आवारा पशुओं को ले जाकर बंद कर दिया, जहां किसानों का आरोप है कि आवारा पशु उनकी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे किसानों को काफी आर्थिक हानि भी हो रही है। वहीं पुलिस ने ग्रामीणों को आश्वस्त कर पशुओं को रिहा करवा दिया है। समस्या ये है कि यहाँ पे करीब 200 सांड, 200 गाय इस गांव की मतलब किसानों के ऊपर हावी है। रात में कछु किसान इतने करते हैं, कछु इतने करते हैं, सारी रात है जाते हैं, न कोई बच्चा सोई पावे, न कोई किसान सोई पावे, लेकिन तो फसल बाजरा की तो खत्म कर दी। अब रह गई जी गेहूं की, तो गेहूं पे इतनी बुरी तरह से हावी है जी, मतलब जानवर के दो चार दिन में मतलब सिर्फ खेती खत्म भई जा रही है। अब जा गांव के किसान लूट मार के कागार पे पहुंच गए, लेकिन कोई यहां पे कोई सुनवाई नहीं है, न कोई सरकार सुन रही, न कोई किसान सुन रहे। अब यहां के किसान ने बाबा को दे दे और राज चलावे, तो एक तो इन्हें जन याद ना है कि कहां तेजे किसान पॉपेट भर रहे हैं, कहां ते मतलब बच्चे को भर रहे हैं। और सहारनपुर की थाना ननौता पुलिस ने लगातार हो रहे बिजली के सामान की चोरी का खुलासा किया है, जिसमें पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर ट्रांसफार्मर की बॉडी, तार सहित तो भारी मात्रा में बिजली का सामान भी बरामद किया। बता दें कि ये लोग एक गैंग बनाकर घूमते थे और दिन भर रेकी करने के बाद रात में घटना को अंजाम दिया करते थे। कई बार विद्युत विभाग ने इस चोरी की शिकायत भी की थी, जिसके बाद पुलिस ने इसमें सक्रियता दिखाते हुए मुखबिर की सूचना पर इन आरोपियों को गिरफ्तार किया। पिछले दिनों में रात में एक बहुत बड़ा गिरोह सक्रिय रहा है, जिसमें तार चोरी और ट्रांसफार्मर चोरी का अपराध कर रहे थे। इसमें रात में चेकिंग के दौरान 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं।
जिनके कब्जे से, जिनके पूछताछ के बाद लगभग 2 लाख के ऊपर की कीमत की जो तार, ट्रांसफार्मर की बाड़ी और बड़ी बैटरियां और तमाम चीज़ें रिकवर हुआ है। पूछताछ के दौरान 7 घटनाएं इन लोगों ने किया है। कुछ दिन पहले जो नांगल और गागलेडी के बीच में 2 बड़ी वारदात की अंजाम भी दी है, जिसमें लेबर वहाँ काम कर रहे थे उनको बंधक बनाकर इनसे इनके जो जनरेटर से भी तार चोरी कर लिए और वहाँ पर जो तांबे के भी तार चोरी किए हैं बंधक बना के। तो इस तरह से लगातार घटनाएं कर रहे थे रात में। फिरोजाबाद के हिंदुस्तान पेट्रोलियम के अधिकृत मैनेजर सुनील कुमार ने अपनी टीम संग नकली मोबिल ऑयल पकड़ा, जहां सुनील कुमार ने बताया कि अन्य कोई नहीं पकड़ा गया है। वहीं मैनेजर ने यह भी कहा कि बाकी पूछताछ की जा रही है, पूछताछ के आधार पर जो सामने आएगा उसके बाद कंपनी के निर्देशन में आगे की कार्रवाई की जाएगी। हिंदुस्तान पेट्रोलियम ऑयल का एक नकली मोबिल ऑयल है जी, तो ये वो है। कहाँ से पकड़ा था आपने? ये एरोरा मोटर सिटी रोड से। लगभग कितना टिल पकड़ा गया है? और ये 182 लीटर है, 26 लीटर की प्रत्येक बाल्टी है और 7 बाल्टी पकड़ी गई। ये और भी कुछ पकड़ा है इसमें? नहीं नहीं बस। बाराबंकी के राम स्नेही घाट इलाके पर नेशनल हाईवे 28 पर भगवानपुर मोड़ के पास लखनऊ से फैजाबाद की तरफ जा रहे क्रेटा कार ई रिक्शा से टकरा गई, जिससे कार ने आग के गोले का रूप ले लिया। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद कार में फंसे 2 युवकों को बाहर निकाला। इस हादसे में ई रिक्शा का चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गया। 3 घायलों को NHAI की एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजा गया। वहीं स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह से आग पर काबू पाया। पीलीभीत के जिला महिला अस्पताल की वार्डन पर एक महिला ने मारपीट करने का आरोप लगाया है, जहां शिकायत पर महिला वार्डन को CMS ने कार्रवाई करते हुए अपने कार्यालय में संबंध भी कर लिया। महिला मरीज अपनी दवा लेने के लिए अस्पताल गई थी, जहां यह घटना घटित हुई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने बमुश्किल दोनों पक्षों में समझौता कराया और घटना के बाद अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। महिला ने बताया कि मारा है, लेकिन और लोगों से, बच्चों के रिश्तेदारों से पूछा गया, डॉक्टर तो OPD में डॉक्टर पुष्पा पंत से पूछा गया, उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, हाँ पर्चा जरूर उन्होंने फेंक दिया था। इससे महिला काफी नाराज हो गई है, तो मैंने नीलम जो वार्ड आया है जिन्होंने पर्चा फेंका था उनको मैंने यहाँ से OPD से हटा के अपने ऑफिस में लगा दिया। महिला का कहना है कि हमें धक्का दिया और हमें जो है थप्पड़ भी मारा है। ऐसा तो आसपास जो मरीज खड़े हुए थे उन्होंने तो मना किया कि मारा नहीं गया है, ना ही डॉक्टर जो ड्यूटी पे है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।